दो बार भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बुरहानपुर विधानसभा टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी बजाय पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस को उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को हर्षवर्धन सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए 150 एकड़ की निजी जमीन पर आधुनिकतम उद्योग नगर विकसित करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर, स्टाफ, दवाइयों और अत्याधुनिक मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करूंगा। यहां पर बिजली की दरों को उद्योग के लिए हम कुछ कम कराने का भी प्रयास हमारी ओर से करेंगे। उद्यमियों के सामने, उद्योग लगाने वालों के सामने एक चुनौती और होती है, लोन की। उस लोन की चुनौती को भी सुलझाने के लिए, उससे पार पाने के लिए हम लोग एक टीम तैयार करेंगे, जिसमें सीए रहेंगे और किस प्रकार से उन लोगों को लोन मिल सके उसके लिए उनको गाइड किया जाएगा। तत्पश्चात मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। मेरे क्षेत्र का हर किसान, लगभग हर किसान केले की खेती करता है।